अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इससे पहले हमने वन डायमेंशन में ये मामला देखा हुआ है, तो आज हम इसे देखेंगे थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में। एक पार्टिकल कैसे आप उसको डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो लेट्स से थ्री डायमेंशन पोटेंशियल वेल में हम इनफाइनाइट डेप्थ देखते हैं, और आप कहेंगे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होगा जब वो आउटसाइड द वेल देखेंगे, और जब आप इन साइड द वेल होंगे तो आपके पास पोटेंशियल जीरो होगा। यानी जीरो से L1 जो आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप देखोगे उस दौरान, और जीरो से L2 जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, जीरो से L3 जो जी एक्सिस के लॉन्ग होगा। यानी एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में है, L1 और जीरो के बीच में मिनिमम टू मैक्सिमम। वाई की वैल्यू जीरो से L2 के बीच में, और जी की वैल्यू जीरो से L3 के बीच में। तो इस रेंज के अंदर अंदर पोटेंशियल जीरो है। ओके, अब लेट से हम कह देते हैं कि पार्टिकल का मास एम है, एनर्जी ई है जब वो आपके पास वेल के अंदर है। अब आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते हैं, ये बेसिक इक्वेशन है। इसमें पोटेंशियल चूंकि हमने जीरो लिया, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो आपके पास वी जीरो हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब मैं डेल को लैप्लासियन ऑपरेटर को लिख सकता हूँ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में, कि भाई पार्शियल स्क्वायर ओवर साई पार्शियल एक्स स्क्वायर वाई के साथ जी के साथ, और प्लस ये जो सारा फैक्टर है 2mE ओवर h कट स्क्वायर, इस सारे को मैं k स्क्वायर कह देता हूँ। तो इक्वेशन ये जो है इस रूप में लिखी जा सकती है, इक्वेशन वन के रूप में। अब मैं कहता हूँ जो वेव फंक्शन है वो आप F1x, F2x, F3y, F1x, F2y और F3y की सूरत में समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग आपके पास डायमेंशन में आप देख रहे हैं। तो आप इस साई की वैल्यू इधर इक्वेशन वन में लगा दो। जब आप वन में लगाओगे तो उसको डिफरेंशियल करके सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये इस रूप में आ जाएगा वन ओवर F1x सेकेंड ऑर्डर डी स्केयर वाई F1, यानी इसी तरीके से वन ओवर F2 आ जाएगा, और फिर इसी तरीके वन ओवर F3, और ये जो k था ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हुआ क्या बुनियादी तौर पे, कि आपने जब k के साथ ये F1x, F2x, FyX लिखा, तो आपने डिवाइड कर दिया एक तरह से सारी इक्वेशन को, किस से, इस पूरे फैक्टर से। तो वो कट कटा के चीज यही बचनी थी आपके पास, समझ गए? क्योंकि k के साथ भी तो आना था ना, वो k वाला फैक्टर उठ के दूसरी तरफ गया है। तो ये आप जो वन ओवर में देख रहे हैं वन ओवर एफ, ये जो आप वन ओवर में देख रहे हैं F2y, ये जो आप वन ओवर देख रहे हैं वन F3y, ये वो है जो इससे साई में से बाहर निकले थे, इधर से कट गए। यानी एक स्टेप मैंने छोड़ा है सादा लफ्जों में कहें, कि इसके साथ जो F2y और F3y आना था वो यहाँ जो इस के साथ थे F1x, F2x, F3x, जब वो नीचे से जाके डिवाइड करेंगे कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा वन ओवर Fx, वन ओवर F2y, वन ओवर F3y। उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास सिर्फ x के यानी आ रही है, इससे में जो सेकंड है वो y में आ रही है, थर्ड जो z में आ रही है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है xyz। तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा कि अगर हम इसको सेपरेटली कांस्टेंट के तौर पे देखें, तो आपका पहला फैक्टर को -k1 स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं, दूसरे वाले को -k2 और थर्ड वाले को -k3 के साथ स्क्वायर के साथ। और आप इसका मतलब जो k स्क्वायर है वो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास ये जो सेपरेट कॉन्स्टेंट है इनको हमने नेगेटिव मानना है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन इसके अलावा सेटिस्फाई नहीं होती आपकी। अच्छा, अब अगर इनके सोल्यूशन देखे जाएं तो आपके पास लिखा जा सकता है, अगर कि F1 इधर जाके जरब खाएगा, नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। उसका सोल्यूशन आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। F1x आ जाएगा a1 sin k1x, b1 cos k1x, इसी तरह F2x का बराबर आ जाएगा a2 sin k2x प्लस b2 cos k2x, इसी तरीके से F3 का आ जाएगा a3 sin k3x प्लस b3 sin k3x। ये 4, 5, 6 के सोल्यूशन आ गए आपके पास। अब क्या जो बाउंड्री कंडीशन क्या है, कि आपके पास अगर आपने देखा हो तो जब x जीरो था, y जीरो था, z जीरो था, तब भी पोटेंशियल जीरो था। तो आप इसी तरीके से कहेंगे F1x, F2y, F3y जीरो होंगे। कब? जब xyz जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको ये अगर जीरो करते हैं तो b1, b2, b3 जीरो हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो आपके पास जनाबे वाला इसका दूसरे मामले में F1x जीरो होगा जब x बराबर होगा xl के, F2y जीरो होगा जब y बराबर होगा L2 के, F3z जीरो होगा जब z बराबर होगा L3 के। यानी ये एक किनारे की बात होगी, ये दूसरे किनारे की बात हो गई। यहाँ से k की वैल्यू निकाली जा सकती है कि n1 pi/L1, और k2 की वैल्यू आ जाएगी n2 pi/L2, k3 की वैल्यू आ जाएगी n3 pi/L3। वो आप वैल्यू प्लेस करेंगे, सिंपल सा अलजेब्रा है वो कर लेंगे। तो अब n1 n2 n3 है, ये n1 इन सारी की वैल्यू n1 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह n2 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो सारी वैल्यू आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब ये k1 स्क्वायर हम जानते हैं, k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर को जमा करो तो k स्क्वायर के बराबर होता है।
तो मैं इन सबको स्केयर कर लूंगा, स्केयर करके जब मैं डालूंगा तो इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। अब सबकी वैल्यू स्केयर करेंगे तो पाई स्केयर कॉमन उठा के बाहर ले लेंगे, बाकी चीजें वैसी लिखी जाएंगी। अब आपके पास ये एनर्जी आ गई। अगर हम सोल्यूशन देखें श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो थ्री डायमेंशन में ए साइन एन वन पाई एक्स ओवर एल वन साइन एन टू पाई वाई ओवर एल टू साइन एन थ्री पाई जेड ओवर एल थ्री होगा। अगर हम एल वन एल टू एल थ्री को बराबर एल के मान लें, क्योंकि शेप अगर हम क्यूबिकल लेते हैं, सारी लेंथे बराबर एल की क्यूबिकल है, तो एल वन एल टू एल थ्री बराबर एल के आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी का टूल है इसमें से एल कॉमन आ जाएगा बाहर, तो वो बन जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अगर हम इसका देखते हैं तो इसी के तहत आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एट ओवर एल क्यूब की पावर वन बाई टू आ जाएगी। तो ग्राउंड एनर्जी आप अगर यहाँ से देखेंगे इस टूल की मदद से, तो जाहिर सी बात है वन 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 आप लगाएंगे, जैसे मैंने एन की वन की वैल्यू भी वन ली, एन टू की भी ली, एन थ्री की भी वन ली, तो ये टूल आ जाएगा। अगले एनर्जी लेवल देखेंगे मुख्तलिफ, जैसे वन वन टू की देखेंगे या वन टू वन की देखेंगे, टू वन वन की देखेंगे, तो वो वैल्यू ये आ जाएगी। अब इससे नतीजा क्या हासिल हो रहा है वो आपको इस तस्वीर से समझ आएगी कि आपके पास थ्री सेट ऑफ क्वांटम नंबर, जैसे आपने यहाँ पे देखा है वन वन टू, वन टू वन और वन टू वन, इनके पास आपके पास क्या आ रहा है कि ये तीन क्वांटम स्टेट सेम एनर्जी स्टेट पे हैं। तो हम कहेंगे ये एनर्जी लेवल थ्री फोल्ड डी जनरेट है। तो डी जनरेसी समझ आ गई, जब एक एनर्जी का जो स्टेट है वो एक से ज्यादा के पास हो, यानी आपके पास तीन क्वांटम स्टेट्स एक ही एनर्जी पे है, दो क्वांटम स्टेट एक एनर्जी पे होंगी तो वो टू फोल्ड डी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। छह अगर एक ही स्टेट पे होंगी तो वो आपके पास सिक्स फोल्ड डी जनरेसी कहलाएगी। तो ये डी जनरेसी आप यहाँ पे देखो कि आपको दिखाई जा रही है कि टू टू थ्री, वन थ्री टू, थ्री टू टू पे तीन आपकी डी जनरेसी स्टेट्स हैं। इसी तरीके से ये सिक्स है, टू 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 पे वन है, वन वन थ्री, वन थ्री वन, थ्री थ्री वन पे भी थ्री है, वन टू टू, टू वन टू, टू टू वन पे भी थ्री है, वन वन टू की तो ये एक मिसाल आ गई, वन टू वन, टू टू वन की भी थ्री है, और वन 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 वाली मिसाल ये आपके सामने आ गई। तो इस तरीके से हम एक पार्टिकल को थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल में देखेंगे। इसका मतलब वहां पे जो मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स हैं वो जनाब आपके पास मुख्तलिफ क्वांटम नंबर सेम एनर्जी स्टेट्स भी कैरी कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का मेन का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।